अपन दोस्तों आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का क्वेश्चन। देखिए राम, मोहन, सुरेश किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। देखिए क्रमशः, तो मोहन कितने दिन में करेगा? 15 दिन में, है ना। राम 15 दिन में करता है, मोहन कितने दिन? 10 दिन में करेगा, और सुरेश कितने दिन में करेगा? 6 दिन में कार्य पूरा करता है। अलग अलग अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ऑप्शन आपके पास 2 दिन, 3 दिन, 3 से 1/3 दिन, 4 से 2/5 दिन। कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले से कार्य वाले और दिन वाले सवालों को बेसिक समझने की जरूरत है, बेसिक क्वेश्चन समझने की जरूरत है। देखिए कि राम कितने दिन में करता है दोस्तों, देखिए यहां से समझने की जरूरत है कि राम कितने दिन में करता है? 15 दिन में, है ना। राम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो अगर एक दिन में उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 1/15, है ना, 1/15 भाग करेगा। इसी तरह मोहन, मोहन अगर कार्य करेगा तो 10 दिन, तो इसके कार्य करने की क्षमता 1/10 दिन हो गई, है ना। इसी तरह देखते हैं अगला सुरेश, सुरेश काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, 6 दिन, है ना। तो 6 दिन बराबर क्या होगा? 1/6 दिन होगा। अब तीनों एक साथ मिलते हैं, तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये तीनों संख्या जुड़ जाएगी, है ना। तीनों मिलकर कार्य करेंगे, है ना, तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 1/15 + 1/10 + 1/6। अब इसको सेकंडों में कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? देखिए अब आपको करना है क्या है, 15, 10, 6 का एलसीएम लेना, यानी कि लघुतम समापवर्तक लेना, ठीक है। अब लघुतम भी सेकंडों में कैसे लेंगे वो आपको बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। देखो ऐसी संख्या लेना जिसके दो दो फैक्टर करना है, किसके करना? सभी संख्याओं के दो दो फैक्टर आपको करना है। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? देखिए 15 के फैक्टर होंगे 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 = 15। इसी तरह इस 10 के कितने होंगे दोस्तों? 2 × 5, 2 × 5 = 10। इसी तरह 6 के होंगे 2 × 3 होंगे, ठीक है। अब एक एक बार संख्या लेंगे, जैसे 3 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, तो इसको 1 बार 3 ले लेंगे। 5 यहां पे भी आ गया, 5 यहां पे 1 बार 5 ले लेंगे। 2 यहां पे भी आ गया, 2 यहां पे भी 1 बार 2 ले लेंगे। तो 5 × 15 दूने कितना हो जाएगा? 30 इसका एलसीएम आ गया अपने पास, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 30 आ गया। तो सोल्व करेंगे, 1/15 × 1/10 × 1/6। अब सोल्व करेंगे तो 30 आया एलसीएम। देखिए 15 का भाग दिया, 15 × 2 = 30, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा 2 आया। 10 का भाग दिया, 10 × 3 = 30, 3 × 1 = 3, 6 का भाग दिया, 6 × 5 = 30, 5 × 1 = 5। देखो 5 × 3 = 8, 9 × 2 = 10, 10/30 काटे तो 1 कट गया, 1/3 आया। तो 1/3 आया तो इसको दिन में बदलेंगे, है ना, ये तो कार्य 1/3 कार्य करने की क्षमता आई, इसको दिन में बदलेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब 3 दिन, ठीक है। दिन बराबर कितना हुआ? 3 दिन। तो 3 दिन किस ऑप्शन में आ रहा दोस्तों? अपना बी ऑप्शन में आ रहा, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।